गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पेरीफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, क्या है? प्रिंटर है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। अगला है चालू लेखा घाटा CAD करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या है? तो ये देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में। उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला है 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने सुप्रीमी तात्या टोपे को फांसी दी थी? तो मेजर मीड। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा होता है? नेटवर्क सर्वर होता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1946 में। इसके जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग, इंग्लैंड के थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन आर्टिकल 61 के तहत। इन शोगारिया प्राचीन यूनान में प्रचलित थी, इसका अर्थ क्या है? मानवाधिकार। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखिए सी ऑप्शन आप देखिए, जहांगीरी महल अकबर, ये आगरा में है। इसको अकबर का जो महल आगरा का जो महल है उसमें स्थित है और इसको 1570 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। निम्न में से कौन सा स्टोरेज उपकरण है? तो चुंबकीय टेप, टेप्स, DBP, ये सभी के सभी हैं। अगला है फसल और उसके सप्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप डी ऑप्शन देखिए। राई सरसों में प्रमुख उत्पादक कौन है? राजस्थान है। निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल कोड का दर्जा दिया गया था? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल विजेता सोफिया केनन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये आपकी USA अमेरिका की खिलाड़ी हैं। जबकि 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इसकी महिला एकल की जो विजेता हैं वो नोमी ओसाका हैं और पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। प्राचीन दक्कन ट्राइब की चट्टानों में निम्न में से कौन सा पठार निर्मित होता है? तो मालवा का पठार है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दामोदर नदी घाटी। भारतीय संघीय ढांचे में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? राज्य सरकार की। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग कौन से विषयों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है? राज्य सूची और समवर्ती सूची 2 और 3, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIFPT का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में है। ए ऑप्शन। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी यूनियन केस 1960 में। ए ऑप्शन। किस भारतीय ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल प्राइज 2020 जीता है? नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जीता था 1998 में। ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम जो है मेमोरी को दर्शाता है। एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो नीमच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का उपबंध पर्यावरण संरक्षण से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है? अनुसूची 9। मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं? तो दतिया जिले में मिले हैं। वर्तमान राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? अनिल धस्माना है। जब बिजली चली जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम नहीं होंगे, किसमें नहीं होंगे? रोम में, EEPROM में, EEPROM में, उपयुक्त सभी में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सी विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। किस वर्ष को भारत की जननांकी का विभाजक कहा जाता है? 1921 को। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? तो ये जो है आपका डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा सिखाने के लिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन का संबंध किससे है? समुद्र में विद्यमान संसाधनों की खोज। सी ऑप्शन। BDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित कौन करता है? CPU। बियॉन्ड द लाइन्स निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? कुलदीप नैयर की है। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसी संशोधन के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण सभी को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देश में मध्य प्रदेश राज्य का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पहले पे आपका उड़ीसा है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश है। और भारत जो है मैग्नीज उत्पादन में छठे नंबर पे, पहले पे दक्षिण अफ्रीका है और दूसरे पे चाइना है।
निम्न में से क्या एक संदेश के ग्रुप कोड को प्राप्त करने के लिए स्केबलेस करता है इंस्क्रिप्शन? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन नहीं रही हैं? तो हिना खंडेलवाल नहीं रही हैं, बाकी तीनों की तीनों रही हैं। वर्तमान में जो हैं नौवें नंबर की जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा, जो कि 2018 से अनवरत हैं अभी तक। और पहली कौन थी? जयंती पटनायक थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा क्या है? तो सी लैंग्वेज है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। वुड इज गुड का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण से। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में। निम्नलिखित में से कौन संघ राज के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? तो डी ऑप्शन पढ़िए, एक धार्मिक राज की स्थापना करना। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिनों के लिए। हलाली या अशोक नहर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका विदिशा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, ईरानी शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य प्रसिद्ध करनाल जो कि हरियाणा में युद्ध कब होता है? तो ये 24 फरवरी 1739 को। मध्य प्रदेश का प्रथम सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला है भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब हुआ? 1983 में। केवोलिन का प्रयोग होता है बर्तन बनाने में। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। कंप्यूटर नेटवर्क मैन का पूर्ण रूप क्या है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत में है, आर्टिकल 51 के तहत। और 50 में क्या? आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। आयुष्मान भारत योजना जिसे मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर विमर्श करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों कथन देखिए, इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरा, इस योजना से 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार लाभान्वित होंगे। दोनों ही सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस विभाग के अधीन कार्य करता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत। निम्न स्थानों में से बंदर कुदनी कहाँ स्थित है? तो भेड़ाघाट, जबलपुर के भेड़ाघाट में। न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान में किस रूप में उपबंधित है? अभिलेख न्यायालय कोड ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, आर्टिकल 129 में है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है? तो सुमन बोदानी है। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? नौवीं अनुसूची के जो जनक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। अगला है, कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया? तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, डी ऑप्शन। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र के द्वारा उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना मेगावाट है? तो 57.5 मेगावाट। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? 91वां संविधान संशोधन। बावन थंडी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। बावन थंडी जो परियोजना है ये बावन थंडी नदी पर है, और ये बावन थंडी नदी MP के सिवनी जिले से निकलती है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? 1973 में की गई थी। ग्रेशम का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। इनके अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध किससे है? तो आप इसमें डी ऑप्शन पढ़िए, SC तथा ST के लोग को लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण में वृद्धि संबंधित है। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान है, कौन से घाटे का? तो राजकोषीय घाटे का। देश में महिलाओं की सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है? केरल में। वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं है? तो NS विश्वनाथन नहीं है, इनका स्थान M राजशेखर राव ने लिया। तो RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के हेग में है, और इसकी स्थापना रोम संविधि के तहत की गई थी। गोल्ड हैंडसेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। इनमें से कौन नीति आयोग के CEO हैं? अमिताभ कांत हैं। नरसिंहपुर किस जिले से पृथककर जिला बनाया गया है? तो होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, और ये नरसिंहपुर जिले ये जो इलाका है इस पर रानी दुर्गावती का शासन था, और यहाँ का 53वां जो प्रस्तावित जिला है वो है बागली। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक कहाँ खोला गया है? तो नीमच में खोला गया है। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, और आपका नामपने जो कंबोडिया की राजधानी है।
रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहते हैं, उसे प्रणोदक कहते हैं। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो जिबरेलिन्स जो हार्मोन होता है इसके प्रयोग से। यहाँ दो सूचियाँ दी गई हैं, मिलाना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, और राष्ट्रीय किसान दिवस जो होता है ये 23 दिसंबर को होता है। इस प्रकार से आप देखें तो जो सी ऑप्शन है आपका 4312 ये सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 किस शैक्षिक मॉडल पर आधारित है, तो 5+3+3+4 पर। देश का कला भवन मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। पनीर तथा योगर्ट उत्पाद किस प्रक्रिया के हैं, तो किण्वन के हैं। करमबीर का संपादन किसने किया, माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासनकाल के विषय में जानकारी का सोर्स है, तो खारवेल के शासनकाल का। खारवेल जो है कलिंग का शासक था, और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है ये तिथि रहित अभिलेख है। वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माण कार्य का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो ये 1884 में। पाई मेशान का खोजकर्ता कौन रहे, युकावा रहे हैं। काष्ठ मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, ह्यूम्स कहा जाता है, जो कि चूने के बने होते हैं। व्यापारिक हवाएं होती हैं, नियमित और स्थिर होती हैं, और ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो अनुमस्तिष्क हाइपोथैलेमस करता है, ए ऑप्शन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करती हैं स्थित होती हैं कहाँ पर, तो ये जो है अग्नाशय में स्थित होती हैं, पेंक्रियास में। तो ये जो इंसुलिन है ये बीटा कोशिका से निकलती है, कहाँ से निकलती है, बीटा कोशिका से निकलती है। जब कम इंसुलिन निकलती है तो इसे मधुमेह कहते हैं, ज़्यादा निकलती है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। काली मौत किसे कहते हैं, तो प्लेग को काली मौत कहते हैं, ब्लैक डेथ। और ये जो होता है पोस्टरेला पोस्टिस जीवाणु की वजह से होता है। इससे प्रभावित अंग कौन से होते हैं, फेफड़ा है, कांख, दोनों पैरों के बीच का हिस्सा। और आपका एड्स जो है HIV विषाणु से होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।